नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था जीव विज्ञान में, जीव जगत, ठीक है। और उसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा जीव क्या है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अभिलक्षण हम लोगों ने देखा, कुछ सुस्पष्ट अभिलक्षण देखा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जीव जगत में विविधता, ठीक। तो एक एक पैराग्राफ हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे, उसके बाद इसके नोट्स भी बनाते जाएंगे और याद भी करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, किताब निकाल लीजिए, एक एक लाइन देखते हैं एनसीईआरटी की, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से ही आते हैं, ठीक। आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, इसमें ऑप्शंस भी इसी से मिलेंगे, यानी सारी चीजें एनसीईआरटी की किताब से ही मिलेगा। चलिए, जीव जगत में विविधता, ठीक है। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है ना। ध्यान से किसी चीज की निगरानी करना अवलोकन कहलाता है। अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं, वन मतलब जंगल, ठीक ना, जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति यानी स्पीसीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। यानी जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का मतलब होता है कि देखिए, यानी कि पहली हेडिंग है हमारी जीव जगत में विविधता, उसके बाद आती है जाति क्या है, जैव विविधता क्या है, नाम पद्धति पहचानना। ये अगले अगले पैराग्राफ में मिलेगा, जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे उसी तरीके से। तो जैव विविधता का मतलब होता है जीवों के जितने भी प्रकार हो सकते हैं और उनकी संख्या कितनी है, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हैं वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्पीसीज। और इस तरीके की जितनी जातियां हो सकती हैं पृथ्वी पर वो सब क्या है, जैव विविधता। यानी सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, जैव विविधता, ठीक ना, है ना, बायोडायवर्सिटी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो इस पैराग्राफ में जो लिखने वाला है, जो याद करने वाला है, एक टर्म आया जाति यानी स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहते हैं या जाति किसे कहते हैं? तो जो आप स्पीसीज अलग अलग जो जीव जंतु देख रहे हैं वो सब एक जाति का प्रतीक है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये क्या है, एक जाति है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब क्या है, एक जाति। इसी तरह से पौधों में भी मटर, आलू, गोभी, ये सब क्या है, ये सब एक जाति है ना। हर एक पौधा एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम हम रख देते हैं। तो आगे हम लोग नामकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, उसकी वर्गीकरण क्या थी यानी उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ से जो चीज है वो है जाति या स्पीसीज। यानी देखिए, जाति या स्पीसीज किसे कहते हैं, यानी प्रत्येक प्रकार के पौधे, ठीक है ना, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। अगली लाइन में आ गया जो मोटा मोटा लिखा हुआ है कि जैविक विविधता क्या होती है। तो जैविक विविधता क्या है, पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार, ध्यान दीजिएगा, संख्या तथा प्रकार, सिर्फ संख्या नहीं और सिर्फ प्रकार नहीं, ठीक है ना, संख्या तथा प्रकार दोनों। पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार क्या कहलाती है, जैविक विविधता या जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि अब तक कितना ऐसा हो चुका है कि स्पीसीज की जातियों का वर्णन किया जा चुका है या ज्ञात है। तो अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन तक हो चुकी। यानी 1. देखिए, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। ये कुछ 70 से 18 लाख के आसपास की जो स्पीसीज हैं, जो जातियां हैं, उनका अब तक हम लोग उसको ज्ञात कर चुके हैं तथा उसका वर्णन भी वैज्ञानिकों द्वारा किया जा चुका है। अगले पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं, बिल्कुल सही बात। हम
हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने ऐसी कोई विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। इस पैराग्राफ में कहने का मतलब ये है कि अगर एक जो स्पीसीज यानी कोई जाति है, कोई जीव है, उसका अगर आप नाम रख रहे हैं, ठीक, तो कोई एक ऐसी विधि निकालिए या कोई एक ऐसा रास्ता सुझाइए जिससे उसका नाम अगर हम लें तो हम किसी से बात करें तो वो समझ जाए कि हाँ इसी स्पीसीज या इसी जाति के बारे में बात कर रहा है या इसी जीव के बारे में बात कर रहा है। अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे किसी राज्य में किसी पौधे का नाम अलग, उसका दूसरे राज्य में अलग, यहाँ तक कि एक ही स्थान पर, जैसे एक स्टेट में ही कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक ऐसी पद्धति का निर्माण करना कि जिससे एक नाम से ही पूरी दुनिया में जाना जाए, उसे नाम पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। तो अगले पैराग्राफ में यही दिखाया गया है कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में दो शब्द आए, एक नाम पद्धति और एक पहचानना। नाम पद्धति क्या होता है? प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक नाम मीन्स होता है एक स्टैंडर्ड नेम, यानी एक नाम ऐसा जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाए। अगर आप एक उदाहरण के तौर पर जैसे मैंगो का नाम आगे लिया गया है मैंगिफेरा इंडिका या मैंजीफेरा इंडिका, अगर आप कहीं किसी और कंट्री में जहां पर लोग पढ़े लिखे हों, जहां पर ये वैज्ञानिक तर्क जानते हों जीव विज्ञान का, तो वहां पर आप इस तरीके से बात करेंगे मैंजीफेरा इंडिका, तो वो आपकी बात समझ जाएंगे। इसका मतलब यही था कि नाम पद्धति का मतलब यह है कि एक प्रत्येक जीव का एक स्पेसिफिक नाम देना जिससे सारी दुनिया में वो उसी नाम से जाना जाए, इसे कहते हैं नाम पद्धति। पहचानना किसे कहते हैं? नाम पद्धति यानी नाम आप तभी रख सकते हैं। नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और यह हम जानते हो कि यह किस जीव का नाम है, यानी यह नाम किस जीव का है, ठीक है ना। तो नाम पद्धति तभी संभव, इस पैराग्राफ से दो लाइनें थी। अब अगले पैराग्राफ में अध्ययन को सरल बनाने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नामनक्लेचर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं प्राणियों का नामकरण कैसे दिया जाता है? प्राणी वर्ग की विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामनक्लेचर बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन में वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। यानी नाम पद्धति के लिए यानी वैज्ञानिक नाम देने के लिए दो ऐसी संस्थाएं हैं या दो ऐसे सर्वमान्य नियम और कसौटी पेश करने वाली इंस्टीट्यूट हैं जो ये बताती हैं कि पौधों के क्या नाम रखा जाएगा। उसके कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, उसकी तरह से प्राणियों के। तो पौधों के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामनक्लेचर, जबकि प्राणियों के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामनक्लेचर। और इसमें जो लोग नाम देते हैं यानी नाम इसमें जो रूल है वो इस पद्धति पर है कि एक जीव का एक ही नाम रहे और वह नाम किसी दूसरे जीव का ना हो सके। इसको बोला जाता है क्या, यानी सर्वमान्य नियम तथा कसौटी। जीवों का नाम पद्धति के लिए सर्वमान्य नियम तथा कसौटी का उसका वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसको अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ में देखिए जो चीज लिखने वाली है उसको जरा सा लिख लीजिए, ठीक है ना। लिखिए जीवों के वैज्ञानिक नाम के लिए सर्वमान्य नियम तथा कसौटी, इसको नोट कर लीजिए। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जीव जगत में विविधता यानी जाति क्या है, जैविक विविधता क्या है, नाम पद्धति और पहचानना। इस पैराग्राफ से जो ऊपर के पैराग्राफ सभी हमने पढ़े उसमें चार वर्ड्स आए थे, एक जाति यानी प्रत्येक प्रकार के पौधे जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। जैव विविधता क्या है? डिफरेंट काइंड्स यानी नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, यानी पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। हालांकि ये जो फिगर है जब आप 12th की बुक पढ़ेंगे लास्ट में तो वहां पर ये फिगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ठीक है ना। 1.7 ही वहां एग्जैक्ट दिया हुआ है, जब आप मेयर का जो एस्टिमेट लगाएंगे तब, तो वो 12th की बुक में है, वहां पढ़ेंगे। नाम पद्धति क्या होती है? तो वही एक मानक नाम जिससे किसी जीव का नाम पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए। पहचानना यानी वर्णन सही हो उसका
और ये हमें पता हो कि ये नाम किस जीव का है। ठीक, तो अगला लाइन जो अगली पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा उसके बारे में लिखते हैं। लिखिए, जीवों के वैज्ञानिक नाम के लिए सर्वमान्य नियम तथा कसौटी। यहां पर बहुत तेजी से लिखिए, जीवों के वैज्ञानिक नाम के लिए सर्वमान्य नियम तथा कसौटी। कसौटी मतलब होता शर्त, है ना? ठीक, क्या देखिए, पौधों के लिए क्या बनाया गया और उसके लिए, यानी पौधों के लिए कौन से नियम और कसौटियां पौधों के लिए जो डिसाइड करता है वो कौन सी चीज है, और इधर एक लिख लीजिए प्राणियों के लिए। देखिए, पौधों के लिए क्या बनाया गया, ICBN, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामनक्लेचर, बॉटेनिकल नामनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नामनक्लेचर। इस तरह से क्या होगा, ICZN। यहां देखिए जेड है, यहां पर बी है, बी फॉर बॉटनी यानी बॉटेनिकल नाम पौधों के लिए, जेड फॉर जूलॉजी यानी प्राणियों के लिए। ठीक है ना, सेम चीज वही रहेगा, बस यहां पे जूलॉजिकल हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल कोड, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामनक्लेचर। ठीक है, ये चीज आती है। अब अगले पैराग्राफ में है कि जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए एक सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें एक नाम के दो घटक होते हैं, देखिए यहां दो लिखा हुआ है, इसको काट के एक कर लीजिए, ठीक है ना, एक नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है, तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेंजिफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। बात समझ में आ गई, बहुत आसानी से देखिए, एक ऐसा नियम बनाया गया जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नामनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक जीव के दो नाम होंगे, यानी दो नाम मतलब एक नाम होगा, उस नाम में दो घटक होंगे, पहला घटक उसका वंश का होगा और दूसरा घटक होगा वो स्पीसीज यानी जाति का होगा, यानी जाति संकेत पद होगा। दोनों को मिलाकर कहा गया बाइनोमियल नामनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंगो यानी आम का जो नाम है वह मेंजिफेरा इंडिका, जिसमें मेंजिफेरा शब्द है वो वंश का नाम है, जबकि इंडिका जो शब्द है वो जाति पद है या जाति का नाम है या जाति पद संकेत है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, द्विनाम पद्धति। लिखिए, द्विनाम पद्धति किसने दिया था इसके बारे में लिखिए फटाक से, द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है ना, द्विपद नाम यानी दो पद होंगे, ठीक, द्विपद नाम पद्धति। ठीक, किसने दिया था द्विपद नाम पद्धति, कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस और यहां लिनियस। ठीक, कैरोलस लिनियस ने। ये जो द्विनाम पद्धति है क्या थी,
सार्वजनिक मान्य नियम था। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप बताएंगे सार्वजनिक मान्य नियम। ये क्या है? सार्वजनिक मान्य नियम, यानी विश्व के सारे वैज्ञानिक इससे स्वीकार करते हैं। ठीक, मान्य नियम। इसमें क्या होता है, एक नाम के दो घटक होते हैं। इस नाम प्रणाली में, यानी द्विपद नाम प्रणाली में या द्विपद नाम पद्धति में, एक नाम के दो घटक होते हैं, यानी एक नाम के दो घटक होते हैं। ठीक, ये दो घटक में जो एक नाम होगा, यानी एक वंश का नाम होगा, और जो दूसरा घटक होगा वो होगा जाति संकेत पद। जाति संकेत पद इसको ये बोल देंगे, यानी इसको वंश नाम, इसको वंश बोलते हैं, यानी ये वंश का नाम होगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीनस, और ये स्पीसीज का नाम होगा या स्पेसिफिक एपिथेट भी इसी को कहते हैं, या स्पीसीज, सिंपल स्पीसीज, या ये जाति को रिप्रेजेंट करता है। किसको? जाति को। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें मैंगो का नाम लिखिए, उदाहरण इसको ऊपर वाले को रफ कर दें, उदाहरण यहाँ पे लिखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंगिफेरा इंडिका लिखा हुआ यहाँ पर, या आम का नाम है मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका। ठीक, इसमें जो मैंजिफेरा शब्द है ये क्या है? वंश का नाम है, यह है जीनस, यानी वंश नाम है इसका। जो ये इंडिका शब्द है ये किसका नाम है? ये जाति का नाम है, यानी जाति संकेत पद। ये क्या है? जाति स्पेसिफिक एपिथेट भी इंग्लिश में कहते हैं इसको, जाति संकेत पद। यानी ये किसका नाम है? जीनस का, यानी वंश का नाम है, और ये किसका नाम है? जाति का। ये किसका नाम है? जाति यानी स्पीसीज। ठीक, ये आम का, ये किसका? आम का। बात समझ में आई? यानी द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। किसने? कार्लस लिनियस। द्विपद नाम पद्धति कार्लस लिनियस ने। यह द्विपद नाम पद्धति क्या था? एक सार्वजनिक मान्य नियम था, यानी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को यह मंजूर था। और इसमें क्या था कि एक नाम के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक। एक नाम के कितने घटक? दो घटक होते हैं। एक होगा वंश का नाम जिसको हम जीनस कहते हैं या वंश नाम कहते हैं, और उसके बाद जाति संकेत पद, यानी कि जो स्पीसीज या जाति। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंगिफेरा इंडिका है जिसको हम आम कहते हैं, आम भाषा में, आम भाषा में आम, देखिए आम भाषा में आम कहते हैं। यानी मैंजिफेरा जो शब्द है वंश का नाम है, यानी जीनस है, और इंडिका क्या प्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका जो ये प्रदर्शित कर रहा है वो जाति संकेत पद है। यानी इस नाम पद्धति से, द्विपद नाम पद्धति से ये होता है कि एक जीव का एक नाम होता है और वो उसी नाम से सारी दुनिया में जाना जाता है। हालांकि ये बात जो हम आप पढ़ रहे हैं जो जीव विज्ञान, तो हम इस बात को और आप भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को नहीं पढ़ते हैं, तो वो अपनी आम भाषा में, लेकिन उनको ये पता रहता है कि हाँ कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिससे पूरी दुनिया में एक स्पीसीज का एक नाम होता है और उसी से जाना जाता है। अगली लाइन है कि कुछ नियम बनाए गए, उस नियम के बारे में, नाम पद्धति के लिए सार्वजनिक नियम। देखिए अब आगे है, नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। पहला है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। लैटिन या रोमन की बहुत पुरानी भाषा है, उसी में लिखते हैं इसको। लैटिन भाषा है, देश नहीं है, है ना? लैटिन क्या है? भाषा है। ठीक, और तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, जो आप देखेंगे तो आप इंग्लिश में जब इसकी टाइपिंग होगी कहीं पर, आप इंग्लिश की बुक में देखेंगे तो तिरछा तिरछा लिखा रहता है, उसको इटैलिक बोलते हैं, है ना? इटैलिसाइज्ड, जो ये बताता है, क्या बताता है? इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। पहला नियम तो यही हो गया। पहला नियम क्या है कि जो वैज्ञानिक नाम होंगे वो लैटिन भाषा में होंगे, और जो लिखे जाएंगे वो तिरछे लिखे जाएंगे, यानी इटैलिसाइज्ड होंगे। ठीक, उनकी ओरिजिन, यानी वो जिसका उद्भव, यानी जो पौधा है या जीव है या जंतु है, वो कहां से आया है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका नाम इसी भाषा में ही लिखा जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये लैटिनाइज्ड ओरिजिन है, वो सिर्फ भाषा की बात करें। दूसरा, दूसरी जो नियम है, दूसरा है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। यानी पहला शब्द क्या होगा उसमें? वंश का नाम। दूसरा क्या होगा? जाति संकेत पद। तीसरी चीज बता रहे हैं, जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए।
तिरछा लिखना या रेखांकन करना यह बताता है, यानी यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। यानी जब जैविक नाम को हम हाथ से लिखेंगे तो अलग अलग, जैसे ये मैंजिफेरा को अलग हमने अंडरलाइन किया और इसको अलग अंडरलाइन किया, ये क्या बता रहा है? ये जो रेखांकन किया गया या जो यहाँ रेखांकित किए गए हैं ये क्या बता रहा है? यह बताता है कि इसका मतलब ये लैटिन भाषा से ही ओरिजिन हुई है, इसके जो डिराइव्ड हुए हैं, जो उसका उद्भव है वो लैटिन से हुआ। ठीक, चौथी बात बता रहे हैं, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मैंजिफेरा, जब आप इंग्लिश में लिखेंगे, अभी हम लिख के बताएंगे आपको, तो उसमें मैंजिफेरा जो एम होगा वो कैपिटल लेटर में यानी अपर केस उसको बोलते हैं, जबकि इंडिका पूरा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो इसकी अभी हम व्याख्या करेंगे और नियम। तो हेडिंग डालिए नाम पद्धति के लिए सार्वजनिक नियम, हेडिंग डालिए नाम पद्धति के लिए सार्वजनिक नियम। सार्वजनिक नियम पहला नियम क्या है? इसमें पहला नियम देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो नाम होगा वो किस भाषा में होगा? लैटिन भाषा में। जो नाम होगा वो किस भाषा में होगा? नाम किस भाषा में? लैटिन भाषा। ठीक, लैटिन भाषा होगा नाम का। दूसरा ये कि तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, उसी में तिरछे अक्षरों में छपाई करते हैं। तिरछे अक्षर यानी इसको बोलते हैं लैटिन भाषा। देखिए ये हो गया लैटिन भाषा, और ये जो होती है इटैलिसाइज, जिसको बोलते हैं इटैलिसाइज, तिरछा लिखना इटैलिक, इटैलिक और ये इटैलिसाइज, यहाँ पे इटैलिक रहने दीजिए, ठीक है ना, इटैलिक यानी तिरछा लिखना। ठीक, और ये क्या बताता है? ये दर्शाता है, ये जो लैटिन भाषा में लिखा हुआ जो शब्द होता है वो यह बताता है कि इनकी ओरिजिन चाहे कहीं की भी हो, इसका नाम किससे आया रहा, यानी इनका उद्भव यानी लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ठीक, ये पहला नियम था। दूसरा नियम है जैविक नाम में पहला शब्द, देखिए इस नाम में है ना, यहां जैविक लिख दिया जीवों का नाम, इसमें भी वही चीज लगा दीजिए जैविक। ठीक, जैविक नाम में जो पहला शब्द होगा यानी पहला शब्द वो क्या होगा? वंश नाम। ठीक है, जबकि जो दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा? जाति संकेत पद। ये क्या होगा? जाति संकेत पद होगा। ठीक है, या जाति। और जब तीसरी बात, जब हम हाथ से इसको लिखते हैं, देखिए लिखा है ना हाथ से, अगर ये नाम, अगर जैविक नाम हाथ से अगर हम लिखें, हाथ से लिखने पर क्या होगा? रेखांकन करेंगे अलग अलग, क्या करेंगे हम लोग? रेखांकन करते। उदाहरण के तौर पर जैसे, यानी दोनों शब्दों को अलग अलग, जैसे एक एग्जांपल है मैंजिफेरा और यहां पर इंडिका, ना ना, तो ये देखिए इसको अंडरलाइन कर दिया, ये इसको अंडरलाइन कर दिया, ये इस तरीके से हो गया। ये जो रेखांकन है वो क्या बताता है? वो ये बताता है, यहाँ पर देखिए रेखांकन लैटिन भाषा, लैटिन उद्भव को दिखाता है। यानी अच्छा, छपाई करते हैं, यानी छपाई अगर, यानी कि जब प्रिंटिंग जब होगी, ये हाथ से लिखने पर है, जब यहाँ पर प्रिंटिंग होगी तो क्या होगा? प्रिंटिंग में क्या होगा? तिरछा लिखा जाएगा, यानी इटैलिसाइज, यानी इस तरीके से। देखिए मैंजिफेरा, यहां पर इंडिका, ये देखिए तिरछा लिखा गया, ठीक है, इसको प्रिंटिंग में इटैलिक, ये प्रदर्शित करता है कि ये लैटिन भाषा से ही ओरिजिन हुई है इसकी। दूसरी चीज बता रहे हैं कि जब हम पहला अक्षर, देखिए यहां पे पहला अक्षर, शब्द नहीं बोला गया, पहला अक्षर बोला गया है,
यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं, उसको उससे समझते हैं। यानी कि जो आप वंश नाम होगा, वंश नाम का पहला अक्षर, देखिए, यानी वंश नाम का पहला अक्षर वो क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल का मतलब बड़े लेटर में, देखिए लिखा है ना यहां पर, बड़े अक्षर में होता, ठीक। वह वंश नाम का पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा। जबकि जाति का, जाति पद लिखा है ना, देखिए जाति पद लिखा हुआ यहां पे, जाति संकेत पद, ये सारे के कैसे हैं, जाति संकेत पद, ये किसमें होते हैं, छोटे अक्षर में। ये सब किसमें होते हैं, छोटे अक्षर में, ठीक। ये कुल चार बातें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, जो कि एक सार्वजनिक नाम, यानी कि द्विपद नाम पद्धति का सार्वजनिक नियम है, उसके आधार पर इसका नाम रखते हैं। पहली बात क्या, कि जैविक नाम लैटिन भाषा में होगा और छापा जाएगा तो तिरछे अक्षरों में होगा, जो ये बताता है कि ये लैटिन भाषा से इनका उद्भवन हुआ है। दूसरी बात ये बता रहे कि जैविक नाम में जो पहला शब्द होगा वो वंश का नाम होगा, जबकि दूसरा नाम होगा, यानी जो दूसरा शब्द होगा वो होता है जाति संकेत पद का। हाथ से लिखने पर रेखांकन करते हैं, जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका में, ये देखिए यहाँ रेखांकन कर दिया गया, जबकि जब छपाई होगी, यानी किताबों में जो छापा जाता है वो तिरछे। इसी मैंजिफेरा इंडिका को देखिए, किताब में जब छपा गया है तो उसको ऐसे लिख दिया गया, इसे तिरछा तिरछा, देखिए यहाँ पे मैंजी लिखा रहेगा ना, हाँ इस तरीके से, यानी मैंजी फेरा और इंडिका, कुछ इस तरीके से। अगर यही चीज अगर हाथ से लिखी जाए, यानी इसी मैंजी फेरा इंडिका को, देखिए इस तरीके से। अब कोई बच्चा अगर तिरछा लिखता ही है तो उसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जो लोग सीधा सीधा लिखते हैं वो अंडरलाइन कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पूरा लेटर ही सीधा लिखता है और तो अंडरलाइन कर लेगा इंडिका इस तरीके से। अब कुछ लोग होते हैं तिरछे तिरछे लिखते हैं, सारी चीजें तिरछे तिरछे, जैसे यहां लिखना होता है जाति संकेत पद तो इस तरह से ही लिखते हैं, जाति संकेत पद इस तरीके से, यानी तिरछा ही सब कुछ लिखते हैं, तो उनको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि तिरछा, हाँ उनको भी अंडरलाइन, अगर हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन, सॉरी अगर हाथ से लिखेंगे भले ही तिरछा लिख रहे हैं लेकिन वो भी अंडरलाइन करेंगे, लेकिन जब छपाई होगी तो वो तिरछे लेटर में होगी, यानी तिरछे तिरछे होगी, तिरछे अक्षरों में होगी इस तरीके से। इसका मतलब यही था। और आगे बताया जा रहा है कि वंश का नाम पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल में ये जो लिया गया है, यहां पर मैंजिफेरा और इंडिका, इंग्लिश में लिखने पर बड़ा छोटा पता चलेगा, हिंदी में लिखने पर बड़ा छोटा कहां पता चलेगा। अगर हिंदी में लिखा है मैंजिफेरा इंडिका तो ये बड़ा है ये छोटा कहां पता चलेगा, नहीं चलेगा, इसलिए इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में लिख कर हम ये बता देंगे कि देखिए ये बड़ा लेटर, ये बड़ा अक्षर है ना, ये क्या है, बड़ा अक्षर है, एम, कैपिटल एम है, ये है ना, कैपिटल लेटर है मैंजिफेरा। जबकि इसमें इसमें क्या होगा, सारे के सारे कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, यानी लोअर केस, इसको क्या बोलते हैं, अपर केस, इसको लोअर केस, बाकी सारे, ये नियम है। अगली बात बता रहे हैं, जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैव वैज्ञानिक नाम के बाद, बात को समझिए, जाति संकेत पद के बाद अथवा यानी अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है, उदाहरणतः मैंजिफेरा इंडिका लिन, एक ब्रैकेट में बनाया गया है, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। बात को समझिए, यानी इसमें हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिख सकते हैं लेखक का नाम। अगर आपसे पूछा जाए लेखक का नाम क्या होगा, हालांकि हर वैज्ञानिक नाम के आगे लेखक का नाम लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर कुछ किताबों में हो सकता है कि दिया है, ठीक है ना, लेकिन वो आपके काम की चीज अभी नहीं है। बस ये इतनी बात रखिए कि लेखक का नाम, लेखक का नाम कब आएगा, जब सारा खेल हो जाएगा तब, जाति संकेत पद के अंत में संक्षेप में लिखते हैं लेखक का नाम, जाति संकेत पद के अंत में लिखते हैं, यह अंत में लिखना यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि इस स्पीसीज का या इस जाति का वर्णन सबसे पहली बार उसी वैज्ञानिक ने किया था। उदाहरण के तौर पर जैसे
मैंजिफेरा, इंडिका और यहां लिन, इस तरीके से लिख देंगे। संक्षेप में लिखते हैं इसको, पूरा ये नहीं लिखेंगे कि लीनियस, है ना, संक्षेप में हाथ से लिखा हुआ है तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर लिया। और ये लिन ये बताता है, यानी इस स्पीसीज का ये जो लिन है, लिन शब्द आया, इसका मतलब ये है कि इस स्पीसीज का वर्णन सबसे पहले लीनियस ने किया था। लीनियस ने किया था, ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, लीनियस ने। तो ये सारी बातें यहां तक हो गई। अब आगे हम ये बताएंगे, यानी ये बुक में जो दिया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि आप अगर सभी जीवों का अध्ययन एक साथ करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए सभी जीवों का एक साथ अध्ययन तो संभव नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा। वर्गीकरण में हम देखेंगे कि वर्गीकरण कैसे होता है, और उसके बाद उसको एक शब्द आएगा इसमें टेक्सा। तो दो चीजों पर हम यहाँ कंसंट्रेट करेंगे, एक शब्द वर्गीकरण और दूसरा शब्द आएगा टेक्सा। तो चलिए, यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके, इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है या किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग में संबंध होता है, ठीक, उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, भाई जाहिर सी बात है कुत्ते के बारे में सोचेंगे तो कुत्ते का ही प्रतिबिंब बनेगा, शेर के बारे में सोचेंगे तो शेर का प्रतिबिंब बनेगा, बिल्ली के बारे में सोचेंगे बिल्ली का, धान के बारे में धान, गेहूं के बारे में गेहूं, एक साधारण सी बात है। इसका मतलब कैसे वो प्रतिबिंब बन जाता है, धान आप नाम सुने या गेहूं कुत्ता बिल्ली आप नाम सुने, आपके मस्तिष्क में उसकी इमेज बन गई, वो कैसे बन गई, आपने ऐसा क्या देखा था, यानी कुछ ऐसे लक्षण, यानी आकार की उसकी आपने देखी है, कुछ ऐसे लक्षण देखे हैं जिसके आधार पर आप ये कहेंगे कि कुत्ता से बिल्ली को अलग करो, तो आप कहेंगे कि कुत्ता और बिल्ली के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी चीज को आगे बताया जा रहा है कि जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब, स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे न कि बिल्ली को। यदि अब देखिए यहां पर एक बात बताई गई है, अब यदि अल्सेशियंस मींस होता है जर्मन शेफर्ड, एक कुत्ते की प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम है अल्सेशियन, ठीक है ना, जिसकी स्पीसीज का नाम है अल्सेशियन, ठीक है। तो अल्सेशियन क्या है, कुत्ते का एक जर्मन शेफर्ड प्रजाति है, उसी की जाति है, उसी की प्रजाति जर्मन शेफर्ड की, क्या बोलेंगे इसको, अल्सेशियन। तो जब अल्सेशियन के विषय में सोचते हैं तो आपको पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं, यानी स्तनधारी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्तनधारी जीव क्या हो, अगर आप पिछले कक्षाओं में पढ़े हो थोड़ा बहुत 9th और 10th में, तो उसमें आपको बहुत सारी जगह ऐसे मिलेगा कि स्तनधारी के विशिष्ट लक्षण, स्तनधारी के विशिष्ट लक्षण होते हैं कि उनके बाह्य कान होते हैं, यानी ये वाला बाह्य कान होता है, और शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है ना। इनके आधार पर आप ये कहते हैं कि और क्या होती है, स्तनधारी ग्रंथियां भी होती हैं जिसको अस्तन ग्रंथियां कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी कहते हैं, यानी इसी आधार पर हम ये कह देंगे कि स्तनधारी की बात हो रही है। इसी तरीके से इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा, भाई गेहूं का पौधा और धान का पौधा दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे बच्चे जो शहरों में रहते हैं और या फिर जिनको सिर्फ कापी किताब कलम से ही मतलब है और जो शहरों में जिंदगी गुजार रहे हैं, गांव बहुत कम जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनको शायद थोड़ा सा विभेद करने में दिक्कत हो कि गेहूं का पौधा कैसा होता है और धान का पौधा कैसा होता है, लेकिन दोनों पौधे अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इसी प्रकार पौधों में हम यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता बिल्ली स्तनधारी गेहूं चावल पौधे जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं। ये सब क्या है, वर्ग हैं। वर्ग मीन्स कैटेगरी, ग्रुप्स, रैंक, ये सब क्या है, कैटेगरी है, यानी वर्ग है। ये सब जंतु एक वर्ग है, कुत्ता एक वर्ग है, बिल्ली एक वर्ग है, गेहूं एक वर्ग है, यानी ये सब क्या है, वर्ग है। और इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं,
आगे बताया जा रहा है कि जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा होती है। अब इसको वैज्ञानिक शब्दावली क्या है इसकी? टैक्सा, यानी इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। यहां आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है, यानी जो टैक्सा है वो क्या है? सही स्तर पर विभिन्न वर्गों को बताने का तरीका है, ठीक है ना। ये जो शब्द है टैक्सा वो क्या है? सही जो वास्तविक मतलब इसका जो अर्थ है वो है कि विभिन्न स्तर पर एक सही वर्ग का बताना, ठीक। पौधा एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु स्तनधारी कुत्ता ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है? बिल्कुल जानते हैं। और स्तनधारी क्या है? प्राणी यानी जंतु है। जीव विज्ञान में दो चीजें आएंगी, एक प्राणी विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम जब भी बात करते हैं तो पौधों की बात करते हैं, और जबकि प्राणी विज्ञान में सिर्फ प्राणियों, प्राणियों मतलब होता है जंतुओं की बात, जीव जंतु, ठीक है ना। जीव विज्ञान में यानी जंतुओं, जैसे कि आप कुत्ता बिल्ली गाय भैंस क्या है? जंतु। इसी तरह से आप मोलस्का में पढ़ेंगे, कैनोडर्मेटा में पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा एनिलिडा के जितने मेंबर्स हैं ये सब प्राणी में आएंगे, और बाकी इसके अलावा जितने पौधों में हम पढ़ेंगे वो सब पौधों में यानी वनस्पति विज्ञान कहेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज को बताया जा रहा है कि कुत्ता क्या है? एक स्तनधारी, और स्तनधारी क्या है? एक प्राणी, ठीक। इसलिए प्राणी, स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। तो इस पैराग्राफ में जो लिखने वाली बात है वो पहला शब्द आया वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं और क्या होता है, जरा इसको नोट कर लीजिए। फिर आएगा टैक्सा क्या होता है, दो शब्द हैं, इन्हीं दोनों शब्दों से सवाल पूछा जाएगा। हेडिंग डालिए वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं तो लिखिए, जो कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस उतना ही पढ़ना है नीट के एग्जाम के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वर्गीकरण क्या है तो लिखिए, यह वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वही हम पढ़ेंगे। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, दृश्य मतलब जो दिखता हुआ है ना, दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। इसे बोलते हैं हम लोग वर्गीकरण। अब एक शब्द आया था टैक्सा, इसको लिख लीजिए टैक्सा, या फिर ऐसे टैक्सा क्या है? विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को दर्शाता है। अभी स्तर अभी हम बताएंगे क्या है, जैसे आप अभी बताते हैं स्तर क्या है, यहां पे विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को दर्शाता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे कि पौधा, ये पौधा क्या है? एक टैक्सा है। पौधा क्या है? पौधा यानी एक टैक्सा है। गेहूं, इस तरह से लिखा जाएगा गेहूं, ये भी क्या है? एक टैक्सा है। यानी ये अलग टैक्स, अलग लेवल का है, स्तर मतलब लेवल यानी अलग स्तर का है। पौधा यानी एक अलग स्तर है, गेहूं एक अलग स्तर है, चावल एक अलग स्तर है, ठीक। यानी ये सब क्या है? दोनों मिलकर टैक्सा, ठीक। इसी तरीके से जंतु स्तनधारी कुत्ता, जंतु क्या है? एक जंतु क्या है? एक वर्ग है। जैसे आपको अगर वर्गीकरण कहा जाए तो जंतु वर्ग और वनस्पति वर्ग। अब उस वर्ग में भी अलग अलग संघ आएंगे, यानी कि अलग अलग जंतुओं में गेहूं एक अलग वर्ग, यानी उसको क्या बोलेंगे? टैक्सा। चावल एक अलग वर्ग। इसी तरह से एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म
टेरिडोफाइट ये सब क्या है, अलग अलग टैक्सा है, अलग अलग वर्ग है। ये सब क्या है रिप्रेजेंट, यानी अलग विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग स्तरों पर सही वर्गों को बता दें। ये क्या कहलाता है टैक्सा, यानी जंतु एक टैक्सा है, स्तनधारी, स्तनधारी ये क्या है एक टैक्सा है, कुत्ता ये भी क्या है, यानी ये सब अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्तर पर टैक्सा है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा अगर सवाल में टैक्सा क्या, तो आप बताएंगे विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को दर्शाता है। ठीक, अब अगली बात यहां पर देखिए दिया हुआ है, इसलिए गुणों के आधार पर, अगले पैराग्राफ में, इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न वर्ग, विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा द्विनाम पद्धति यानी नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम या प्रणाली हैं जो वर्गीकी यानी वर्गीकी विज्ञान के आधार है। वर्गीकी कोई नई नहीं है, मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए, यहाँ उसके होना चाहिए है ना, उनके लिख दिया गया, कोई बात नहीं, उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय, आश्रय मतलब होता वास स्थान, रहने की जगह, शेल्टर है ना, के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था, यानी जो सबसे प्राचीन काल का वर्गीकरण था, जो आदि मानव के समाने में था, वो उपयोग के आधार पर वर्गीकरण था। वो ये बताता था कि ये खाने वाली चीजें हैं, इससे हमें घर बनाने में मदद मिलेगी और इन चीजों से हमें भोजन यानी कि वस्त्र मिलेंगे, वो इस आधार पर था। जबकि आज का जो आधुनिक जो वर्गीकरण है वो बिल्कुल अलग, उसमें सबसे पहले नाम पद्धति है, पहचानना है, वर्गीकरण है, यानी टैक्सोनॉमी भी एक शब्द आएगा अभी वहां पर, उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी, वर्गीकी। ठीक है ना, आगे बता रहे, काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स कहते हैं। सिस्टमेटिक्स शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना है ना। वर्गीकरण पद्धति में पहचानना, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। तो अब जो हमारा जो हेडिंग होगी या जो टॉपिक होगा लिखने वाला, वो है पहली चीज वर्गीकी क्या थी है ना, वर्गीकी उसको नोट कर लीजिए जिस पैराग्राफ में है वर्गीकी। देखिए वर्गीकरण एक अलग शब्द था जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन। वर्गीकी यानी कि टैक्सा, यानी टैक्सा का अरेंजमेंट कहलाता है टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी मीन्स टैक्सोनॉमी और वर्गर यानी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। दोनों शब्दों पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, आप दोनों का एक ही मीनिंग मत बता दीजिएगा। वर्गीकी, वर्गीकी क्या है, ये हमने ऐसे लिख दिया भैया, ये ऐसे रहेगा ना, ऐसे वर्गीकी ठीक है, और ऊपर भी मिला लीजिएगा वर्गीकी और वर्गीकरण जरा सा, ठीक है बाकी सब सही है। तो आइए वर्गीकी क्या होती है, ये हेडिंग है और इसके बारे में लिखना है। गुणों के आधार पर सभी जीवों का वर्गीकरण करना वर्गीकी कहलाता है, यानी किसके आधार पर, गुणों के, गुणों के आधार पर सभी जीवों का, वर्गीकृत करना वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, देखिए आप वर्गीकी यानी गुणों के आधार पर सभी जीवों का अगर आप वर्गीकरण कर दिए तो क्या कहला जाएगा, वर्गीकी। अब वर्गीकी क्यों क्या बोलते हैं भैया, टैक्सोनॉमी, जबकि इसको क्लासिफिकेशन, ये क्या है हमारे पास यहां, क्लासिफिकेशन। अब दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में बांट दिया जाए यानी क्लास में, तो वो क्या कहलाएगा, वर्गीकरण।
जबकि इसमें गुणों के आधार पर सभी जीवों का वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा है। ठीक, दोनों का लगभग मतलब एक है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ भाषा शब्द में अंतर है। ठीक, अब अगली बात है कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ आधुनिक वर्गीकरण के आधार, क्या है आधुनिक वर्गीकरण, प्रकार, यानी जीवों के प्रकार क्या है, पहली चीज वही लिखा हुआ प्रकार यानी एक्सटर्नल फीचर, उसकी रचना कैसे करी गई है, रचना में दो चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल, कोशिका की रचना कैसी है, यानी किसी जीव की वर्गीकरण हमें कैसे करना है उसके बारे में बताया जा रहा है, कोशिका रचना। ठीक, आगे बताया जा रहा है क्या विकासीय प्रक्रम, यानी विकास के सिलसिले में अगर बात करी जाए तो उसका किस तरीके से, किस प्रक्रम से उसका विकास हुआ है, और साथ ही साथ पारिस्थितिक सूचनाएं, पारिस्थितिक पारिस्थितिक होता है ना सूचनाएं। ठीक, ये चीजें आधुनिक वर्गीकरण का आधार होती है। प्रकार मतलब किस प्रकार का जीव है, यानी एक्सटर्नल फीचर, उसके ऊपर से देखने पर वो कैसा दिखता है, ये उसकी रचना कैसी, यानी बनावट है ना, बनावट कैसी है, उसके बाद उसकी कोशिका की रचना कैसी, उसका विकासीय प्रक्रम कैसा है ना, यानी कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कैसा है। ठीक, पारिस्थितिक सूचना यानी कि इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है उससे जुड़ी हुई। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार ये चीजों पर है। अब प्रक्रम जो वर्गीकी के आधार है वो क्या होता है, ऐसे प्रक्रम जो वर्गीकी के आधार है, प्रक्रम वो क्या चीज, देखिए किताब में दिया हुआ, इसको भी नोट के लिए, वर्गीकी के आधार। ठीक, विशेषीकरण, विशेषीकरण मतलब कैरेक्टराइजेशन है ना, यानी किस कैरेक्टरिस्टिक पर हम ये बताएंगे कि ये वाला जो जीव या ऑर्गेनिज्म वो अलग है, और दूसरा, दूसरी चीज पहचानना, यानी हम उसको पहचानेंगे कैसे, पहचानना। उसके बाद आता है क्या वर्गीकरण, यानी उसका टैक्सोनॉमिकरण यानी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी नहीं बल्कि क्लासिफिकेशन, और साथ ही साथ नाम पद्धति, उसका नाम क्या रखा जाए, ये कुछ प्रक्रम है। ठीक है, जो वर्गीकी की यानी टैक्सोनॉमी के आधार क्या है ना, टैक्सोनॉमी के आधार क्या है, यहां पर इसकी बात चल रही है, प्रोसेस बेसिक टू द टैक्सोनॉमी, उसमें आएगा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नामकरण। ठीक है ना, विशेषीकरण, पहचानना, वर्गीकरण और नाम पद्धति। जबकि आधुनिक वर्गीकरण के आधार क्या है, प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा प्रकार पारिस्थितिक सूचनाएं, ये सारी चीजें आती है किसमें, आधुनिक वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी के लिए, मॉडर्न टैक्सोनॉमी पे। यहाँ पे प्रक्रम कौन कौन से हैं जो आधुनिक वर्गीकरण के आधार माने जाते हैं, विशेषीकरण, पहचानना, वर्गीकरण और नाम पद्धति। तो हमने क्या देखा, टैक्सा क्या है कि विभिन्न स्तरों पर सही वर्ग को बताने की पद्धति है टैक्सा। वर्गीकरण क्या है, यानी कि सुविधाजनक बनाना है ना, कुछ सरलता से गुणों के आधार पर सुविधाजनक बनाने की स्थिति को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर वर्गीकी क्या है, गुणों के आधार पर सभी जीवों को वर्गीकृत करना वर्गीकी कहलाता है। ठीक, अगली बात आई, एक शब्द आया है सिस्टमेटिक्स है ना, जिसको वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, उसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। यहां लिखा था वर्गीकी, ठीक, ये लिखा था और यहां लिखा था टैक्सोनॉमी, इसको नोट कर लीजिए सारी चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका सिस्टमैटिक्स यानी वर्गीकरण पद्धति, इसका मतलब क्या होता है, इसको लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, टैक्सा पूछा गया आपके एग्जाम में, क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के बारे में नहीं पूछा गया ना, उसका मॉडर्न और उसकी बेसिक्स क्या है वो भी नहीं पूछा गया, लेकिन जो पूछे गए हैं वो ये दोनों चीजें, टैक्सा किसे कहते हैं ये पूछा गया, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि आप सिस्टमा यानी सिस्टमैटिक्स क्या होता है ये भी लिख लीजिए। यानी एक शब्द आया था सिस्टमैटिक्स, क्या शब्द है वो, सिस्टमैटिक्स,
है ना, यही शब्द है। और इसकी हिंदी लिखी गई है वर्गीकरण पद्धति। इसकी हिंदी क्या है? वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। यह है क्या, तो ये क्या बताता है? ये अध्ययन, ये एक ऐसी शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों के आपसी संबंध का अध्ययन। ये क्या है? जीवों का आपसी संबंध, यानी जीवों के आपसी संबंध का अध्ययन, यानी एक दूसरे से, यानी रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म, आपसी संबंध, रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। या फिर एक शब्द आएगा इसमें और, जीवों का विकासीय संबंध, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म, जीवों का विकासीय संबंध, ये चीज आएगी। और ये शब्द आया कहां से, तो बोलेंगे सिस्टमेटिक शब्द कहां से आया, ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है यानी जो शब्द है वो कहां से आया था, वो आया था सिस्टेमा नेचुरी से, लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, है ना, लैटिन शब्द सिस्टेमा से। और जो सिस्टेमा का अर्थ होता है वो अलग होता है, सिस्टेमा, सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों का नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। इसका अर्थ क्या है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, जीवों की नियमित व्यवस्था, ठीक है, इसका अर्थ होता है, यानी सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। और लिनियस ने क्या शब्द, लिनियस ने क्या बताया था, अपने टाइटल का पब्लिकेशन रखा, अपने पब्लिकेशन का टाइटल, पहली बार टाइटल छोड़िए, लिनियस के बारे में लिखे, यानी जो लिनियस थे वो क्या लिखे थे, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा, अरे ये लिखे ना, पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा था, सिस्टेमा नेचुरी, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो सिस्टेमा नेचुरी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, लिनियस ने, जबकि सिस्टेमिक शब्द या सिस्टेमा शब्द कहेंगे लिनियस ने नहीं, सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचुरी शब्द आया था लिनियस के द्वारा। और सिस्टेमेटिक्स का मतलब क्या होता, वर्गीकरण पद्धति होता, अर्थ क्या है इसका, जीवों का आपसी संबंध या जीवों का विकासीय संबंध क्या है। वर्ड यानी जो वर्ड आया ये सिस्टमेटिक्स, वो कहां से डिराइव हुआ था, लैटिन शब्द सिस्टेमा से, जिसका अर्थ है जीवों का नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा, अब जाते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन जरा क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या मिले हैं, जरा उसको बुक खोल लेते हैं तुरंत। चलिए बुक में जरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब तक एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इससे एक क्वेश्चन, नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होती है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध, यानी कि चार कथन दिए हुए हैं और इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक। ऑप्शन ये है, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जाता है, गलत है। एक वैज्ञानिक भाषा में द्विपद नाम पद्धति के द्वारा लिखा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है, दूसरा जाति संकेत पद को, बिल्कुल सही बात है। नामों को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित कहा जाता है, बिल्कुल, रेखांकित करा जाता है या किया जाता है, ठीक है। दूसरा शब्द है, दूसरा क्वेश्चन है, ICBN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नामेनक्लेचर। एक क्वेश्चन आया हुआ है, द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा दी हुई थी, कार्लस लिनियस ने, किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने, किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नामेनक्लेचर, ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामेनक्लेचर। लिनियस ने क्या दिया था, द्विपद नाम पद्धति, क्या दिया था, द्विपद नाम पद्धति, बाइनोमियल नामेनक्लेचर। आगे पूछ रहे हैं कि द्विपद नाम यानी जो द्विनाम पद्धति है इसमें कौन कौन से दो शब्द होते हैं,
एक वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का नाम होता है। नामकरण की जो द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है, यानी कि इसमें दो नाम होंगे, एक वंश का और एक जाति का। टैक्सोनॉमी का श्रेणी क्रम क्या है, टैक्सोनॉमी का जो श्रेणी क्रम है वो है KPC OFGS। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सारे सवाल आएंगे। कह रहा है कि लीनियस, एक क्वेश्चन है कि लीनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे क्या कहते हैं, द्विपद नाम पद्धति। उस पद्धति को क्या कहते हैं, द्विपद नाम पद्धति। अगला है टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अभी आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जाति कहते हैं इसको। टैक्सान क्या है, किसी भी रैंक के टैक्सान को समूह कहते हैं, है ना, यानी कि किसी भी स्तर पर, अभी लिखा गया था किसी भी स्तर पर जीवों का सही वर्ग को बताना टैक्सान कहलाता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अब तक के इसमें ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे क्वेश्चन फिर से एक बार हम बता रहे हैं नाम पद्धति के सामाजिक नियम। तो वो चार नियम थे हमारे पास, पहला ये था कि उसको जो हम लिखते हैं तो उसको इटैलिक यानी कि तिरछे लिखते हैं या फिर लैटिन भाषा में लिखते हैं। दूसरा ये था कि जो उसमें पहला शब्द होगा वो वंश का नाम होगा, जो दूसरा शब्द होगा वो जाति का नाम होगा, यानी कि जब छपाई होगी तो तिरछे होगी, हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, ये तीसरी बात थी। चौथी बात थी कि जब इंग्लिश में यानी लिखने पर पता चलता है कि जो उसका पहला शब्द है वंश नाम का वो हो जाता है कैपिटल, यानी पहले शब्द का जो पहला लेटर है यानी पहला अक्षर है जो वो कैपिटल में, बाकी सब कुछ स्मॉल में लिखा जाता है। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामकरण, ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामकरण। क्लासिफिकेशन क्या होता है ये भी पता दिया गया, वर्गीकरण क्या होता है ये भी पता दिया गया, बाइनोमियल नामकरण ये भी हो गया, टैक्सा क्या होता है ये भी हो गया, उसके बाद सिस्टमैटिक्स बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है वर्गीकरण पद्धति, जीवों का आपसी संबंध या जीवों का विकासीय संबंध क्या होता है, यानी ये सारी बातें हो चुकी इस लेक्चर में, यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। अब अगला लेक्चर हमारा आएगा वर्ग की संवर्ग, इसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्ग की संवर्ग के साथ, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।